आज हम जानेंगे कि दशहरे का सच्चा आध्यात्मिक भाव क्या है। ब्रह्मा कुमारी जगदम्बा भवन प्रस्तुत करता है राम सीता और रावण का रहस्य बताती हुई एक नृत्य नाटिका। देखा सीता कैसे अपने राम को पुकार रही थी। तो यह सीता है कौन? क्या यह एक ही सीता है जो अपने राम को बुला रही है? वास्तव में हम सभी आत्मा रूपी सीता उस परमात्मा राम को पुकार रही है।
और कोई 10 शीश वाला रावण होना संभव नहीं। यह एक प्रतीक है 10 मनोविकारों का, जिसमें आत्मा रूपी सीता कैद है। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। नमाज़े पढ़ूं अरदास करूं दिन रात, न तो मंदिर मिले न तो गिरजे मिले, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन, तुझे ढूंढे थके मेरे नैन। जो भी रस्में हैं वो सारी मैं निभाता हूं, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूं। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। सभी धर्म की आत्माएं अपने पिता परमात्मा, जिन्हें गॉड, ईश्वर, अल्लाह, एक ओंकार इत्यादि नामों से पुकारते हैं, जो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जो इस कलयुग के अंत में अर्थात रावण राज्य में आकर एक साधारण वृद्ध तन के द्वारा सत्य ज्ञान एवं राजयोग की शिक्षा देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। हे मीठे मीठे बच्चों, किधर जा रहे हो? किस लिए ये दौड़? कहां है मंजिल? एक बार अंतर्मुखी होकर तो सोचो। विज्ञान के आधार पर जैसे अंतरिक्ष में जा रहे हो, वैसे आंतरिक जगत को जाना है। मैं सर्व मानव आत्माओं का पिता हूं, विशाल विश्व का अधिपति हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिमूर्ति शिव परमात्मा हूं। वर्तमान समय में दुनिया में चारों ओर अज्ञान का अंधकार, अराजकता, स्वार्थ और दुख प्रज्वलित है। ऐसे अधर्म के समय को ही अति धर्म ग्लानि का समय कहा जाता है। मैं एक साधारण वृद्ध मानव शरीर में दिव्य अवतरण लेकर सत्य धर्म की स्थापना कर रहा हूं। उस वृद्ध मानव का ही नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। हे मेरे अति प्रिय बच्चों, मनुष्य सृष्टि की दुर्गति एवं पतन का मूल कारण है स्वयं के अस्तित्व को भूलना और मेरे सत्य परिचय, मेरी पहचान को भूलना और देह अभिमान में आकर विषय विकारों में फंस जाना है। शीघ्र ही ये अति दुख भरी कलयुगी दुनिया समाप्त होकर पवित्र सुख शांति से पूर्ण दैवी दुनिया आने वाली है। तो अब अज्ञान रूपी निद्रा से जागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।